दोस्तों, अब तक मेरी चैनल को आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब बटन यहाँ पर है। ऐसे मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स आप जब टाइप करते हैं आपको ये रेड बटन को दबाना है और सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब एडेड हो गया। अब इसके बाद बगल में जो घंटी है इसे भी दबाना है और इसे ऑल पर रख देना है ताकि जो मेरे नए वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाओगे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो UEFI बॉक्स है इसका सॉफ्टवेयर आप किस तरह से डाउनलोड करोगे। सबसे पहले आपको एड्रेस बार है, ये एड्रेस बार में टाइप करना है जो रियल एड्रेस है www.uefi-box.com। ये टाइप करने के बाद एंटर दबाना है आपको तो ये साइट खुल जाएगी। इसके बाद आपको सपोर्ट फोरम में जाना है, ये बटन दबाना है आपको। जैसे ही आप सपोर्ट फोरम में जाएंगे आपको साइन इन कर लेना है, यहाँ पर लॉग इन कर लेना है। यहाँ मैं लॉग इन कर लेता हूँ जल्दी से। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम आ गया है और हम लॉग इन हो चुके हैं। यहाँ पर आपको नीचे जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि UEFI सॉफ्टवेयर अपडेट वर्जन 1.5, आपको इसे दबाना है पहले। जैसे आप दबाओगे स्क्रॉल डाउन करना है आपको, नीचे जाना है। यहाँ पर आपको मिरर लिंक मिल रही है जिसमें मेगा मिरर लिंक 1, मीडिया फायर की मिरर लिंक 2 है और गूगल ड्राइव की मिरर लिंक 3 है। आपको मिरर लिंक 3 पे गूगल का पेज, गूगल ड्राइव का पेज, यहाँ पर डाउनलोड बटन हम दबाएंगे। डाउनलोड एनी वे करना है और आप इसे जहां भी सेव करना चाहते हैं वो ब्राउज करके उस पेज पे चले जाना है आपको। हम जैसे यहाँ सॉफ्टवेयर के पेज में जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, फिर भी मैं आपके लिए ये दिखाने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पर हम इसको एक नाम दे देंगे सेटअप 3, ताकि नाम जो पहले से ही है वो नहीं ले पाएगा, तो हम यहाँ पर सेटअप 3 दे देते हैं और सेव कर देते हैं और स्टार्ट डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डाउनलोड हो चुका है, ये हम ओपन फोल्डर कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ UEFI V1.5 वर्जन जो 2008 का ये सेटअप है ये आ गया है इधर। सो हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर ही कर लेते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट होकर फोल्डर यहाँ खुल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आ चुका है सेटअप का। सो इसे डबल क्लिक करना है आपको पहले, यस दबाएंगे। यहाँ पर ये एक मैसेज आ रहा है कि नो UEFI डिवाइस डिटेक्टेड। सो हमें अभी UEFI जो बॉक्स है उसको अटैच कर लेना है कंप्यूटर के साथ। इंस्टॉल ड्राइवर करना है तो हम ईयर कर लेते हैं, सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइवर इंस्टॉलेशन के लिए एक पेज खुला है, नेक्स्ट कर देते हैं इसे। यहाँ पर जेकोबिट का विन यूएसबी का एक अपडेट हो चुका है और एक माइक्रोसॉफ्ट यूएसबी डिवाइस भी अपडेट हो चुका है, फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो मैसेज था वो चला गया है, नेक्स्ट कर देते हैं। और ये सारे ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट कर लेना है, वेंडर डिवाइस ड्राइवर और डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर एनफोर्समेंट। अगर जो कोई तकलीफ आ रही है हमें विंडोज में तो ये सिग्नेचर एनफोर्समेंट हमें डिसेबल करना है, नेक्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एरर मैसेज आया है, इसे आपको इग्नोर करना है, ओके दबा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग UEFI आ गया है। यहाँ पर ISOC USB ड्राइवर अभी इंस्टॉल होगा, नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर आई एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं कहाँ पर इसे सेव करना है, आप नेक्स्ट कर दीजिए, बाय डिफॉल्ट जहाँ भी सेव हो रहा है उसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं द एग्जिस्टिंग फाइल इज न्यूअर देन द वन सेटअप इज ट्राइंग टू इंस्टॉल, इट इज रिकमेंडेड दैट यू कीप द एग्जिस्टिंग फाइल। डू यू वॉन्ट टू कीप द एग्जिस्टिंग फाइल? नो, हम प्लीज डिस्कनेक्ट ऑल इंटेल USB पोर्ट्स। हम यहाँ पर ओके दबा देते हैं।
यहाँ पर इंस्टॉल ड्राइवर एनीवे करना है आपको। यहाँ पर दोबारा से ये नेक्स्ट करना है, फिनिश। तो यहाँ आप देखेंगे कि ISOC USB ड्राइवर जो है, अभी विजार्ड जो है नेक्स्ट करना है इसमें, नेक्स्ट 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 इंस्टॉल, ओके। इंस्टॉलिंग ड्राइवर हो रहा है, अब यहां पर नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश, नेक्स्ट कर देते हैं, आई एग्री, नेक्स्ट इंस्टॉल। एंड्रॉइड USB ड्राइवर जो है ये इंस्टॉल हो चुका है, यहां पर ओके कर देते हैं, फिनिश करते हैं। यहां पर आपको ये DHCP सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट इंस्टॉल। ये अभी इंस्टॉल हो रहा है। फिनिश करना है, नेक्स्ट। ये नोकिया के ड्राइवर अभी इंस्टॉल हो रहे हैं, नोकिया फोन के USB ड्राइवर हैं जो अभी इंस्टॉल होंगे। सो इसे क्लोज कर देते हैं, सक्सेसफुली ये इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे सेकंड है FUSB ड्राइवर, अभी इंस्टॉल होगा, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर FUSB ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब MUSB ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट। अब MUSB ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, ये पेज को क्लोज कर देते हैं। अभी ओप्पो के ड्राइवर इंस्टॉल हो रहे हैं, ओप्पो फोन के ये ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं ओप्पो के, फिनिश कर देते हैं इसे। ये 42.8 MB का है फाइल, और 262 MB की फाइल, 17 MB की फाइल और 229 MB की फाइल, ये सभी नेक्स्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर फिनिश करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो UFI EMMC टूलबॉक्स है इसका पेज ओपन हो चुका है, और इसमें जो सॉफ्टवेयर वर्जन है वो लेटेस्ट है, ठीक है। अगर जो यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर आएगा तो यहाँ पर एक मैसेज आएगा जिसे आपको टिक मार्क कर देना है, ताकि ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा नए अपडेट के साथ, नए अपडेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर जो अपडेट्स हैं तो आप यहाँ से भी सिंक कर सकते हैं, अपग्रेड UFI फर्मवेयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपग्रेडिंग फर्मवेयर बता रहा है ये, तो अपग्रेड इन प्रोग्रेस 100% हो चुका है, ये कंप्लीटेड। एप्लीकेशन रिस्टार्ट होगा दोबारा से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एप्लीकेशन है रिस्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नया जो अपडेट है, एन अपडेट इज अवेलेबल, हम इसे भी क्लिक कर देते हैं ताकि जो भी अपडेट होंगे वो सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। जो जो चीज़ें डाउनलोड नहीं हुई थी या अपडेट नहीं हुई थी वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएगी इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ओके हो चुके हैं। अभी MediaTek के डाउनलोड हो रहे हैं अभी अपडेट्स, ये 75.43 MB की है फाइल, इसे डाउनलोड होने में टाइम लग रहा है इसलिए। यहाँ
यहाँ पर सारे फाइल्स है वो डाउनलोड हो गई है। अभी UFI.execute की फाइल अपडेट हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिस्टार्ट होगा, ये मेन एप्लीकेशन यहाँ रिस्टार्ट हो रहा है, दोबारा से ये एप्लीकेशन रिस्टार्ट होगा। ये लेटेस्ट अपडेट पे होगा, अभी 2008 का अपडेट था। अब देखते हैं अभी ये कौन सा अपडेट आ गया इसमें। यहाँ पर UFI सॉफ्टवेयर वर्जन ये जो है 2016 का लेटेस्ट वर्जन अभी अपडेट हो चुका है। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमें जो UFI बॉक्स का सॉफ्टवेयर है वो लेटेस्ट अपडेट कर दिया है। दोस्तों आइडेंटिफाई EMC और डायरेक्ट EMMC ISP ये सभी चीज़ों के बारे में मैं अपने अगले वीडियोस में बताऊंगा। अभी ये वीडियो में सिर्फ मैंने आपको बताना था कि किस तरह से सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे ये तीन चीज़ें मिली है इसमें, जिसमें से एक है UFI EMMC टूल बॉक्स। ये हमें तीन चीज़ मिली है इसमें, UFI EMMC टूल बॉक्स, UFI चिप प्रोग्राम और UFI एंड्रॉयड टूल बॉक्स। ये सभी एप्लीकेशंस के बारे में बारी बारी मैं आपको लेसन्स में समझाता जाऊंगा। अगला जो हमारा लेसन होगा UFI चिप प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं उसके ऊपर। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उसमें आप नीचे लाइक का बटन है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक अगर जो आप शेयर करना चाहते हैं। ये लिंक को कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप कोई भी सोशल मीडिया में इसे पेस्ट कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये बताइए कि ये वीडियो देखने के लिए। और अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। इस तरह से होना चाहिए, सब्सक्राइब लिखा हुआ और नोटिफिकेशन की घंटी के ऊपर दो निशान होने चाहिए। किस तरह से सब्सक्राइब करना मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था। आप मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल भी दबाएं। शुक्रिया दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।